ये मैं हरी हरी चीज क्या पी रहा हूँ? देखिए ये एक तरह का रस है, जूस है, और ये है वीट ग्रास और ग्रीन एप्पल रस। और ये जो रस है इसके अंदर है वीट ग्रास है, ग्रीन एप्पल है, उसके साथ में लेमन है। जी हाँ, नींबू का काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसके अंदर। लेकिन असली कमाल तो है वीट ग्रास का, काफ़ी हेल्दी हो जाता है, हाई फाइबर है। ऐसा भी लोग कहते हैं पतला होने के लिए काफ़ी लोग पीते हैं, काफ़ी लोग अपना कम्प्लेक्शन करने के लिए पीते हैं। मैं तो क्योंकि इस मेले में आया हुआ हूँ इसलिए पी रहा हूँ। नानी शास्त्री जिनको आलू बहुत पसंद है, किसी भी रूप में आलू मिल जाए, किसी भी रूप, मीठे नहीं होने चाहिए। नहीं ना, मीठा कुछ नहीं खाती। मैं मीठा नहीं खाती। मीठा कुछ नहीं, अगर कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, कुछ तीखा बनाते हैं और बिना आलू के बनाते हैं। चल जाएगा, तीखा भी मुझे पसंद है। तीखा पसंद है ना। इसमें जो कुछ सब्जियां हैं वो पहले देख लेते हैं। ये बीन्स है, मैं काटू? हाँ प्लीज, यार नेकी और पूछ। ये लीजिए, ये ठीक है, परफेक्ट। ये अब हमने काट लिया है तो इसे बस स्टर फ्राई करना है थोड़ा। किस तरह से इसे पकाना है मैं आपको बताता जाऊंगा और अब बनाएंगे। ओके, इधर आइए। और कुछ कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ये भी गारंटी है मेरी। ओके, ये तेल डालें करीब एक बड़ा चम्मच। अच्छा, ये क्या है मेरे पास? इधर है चॉप्ड गार्लिक। बस, तो ये जो गाजर है ना ये मैं डाल देता हूँ। अच्छा, जैसे ही आपको ऐसे लगने लगे ना कि कुछ जलने लगा है तो उसमें कोई चीज़ डाल दें दूसरी इमीडिएटली, तो क्या होगा, ये जैसे गाजर है इसका मॉइस्चर है उसकी वजह जलेगा नहीं। यस, ये हमने डाल दिया। ये सिर्फ गाजर और मशरूम कटी हुई है। ये है कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च होता है ये संतरे का रस। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा प्याज। तो ब्रोकली डाली, उसके बाद ये कटी हुई जो बीन्स आपने बनाई हैं, जो आपने अच्छे से तैयार की थी ना। यस, ओके। अब इसके अंदर डालते हैं थोड़ा नमक, ज़्यादा नहीं, और उसके साथ साथ ये है मेरे पास सोया सॉस, लेकिन ये भी ज़्यादा नहीं। और तीखा पसंद है? बहुत बहुत। तो ये लीजिए तीखी लाल मिर्च कुटी हुई। और अब ये एक मसाला है, जादुई मसाला मेरे पास, फाइव स्पाइस पाउडर के नाम से बाजार में मिल जाता है, तो वो डालना है हमें। ये आपने सब अगर करा हो तो मैं एक काम करता हूँ, ये इसमें डाल दिया। अब मिक्स करना ज़रूरी है। ये चिटक जाता है? हाँ, ये थोड़ा सा अभी होगा। अच्छा, ये जो ओरिएंटल स्टाइल बनता है ना खाना, उसमें सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। कच्चा कच्चा? हाँ, कच्चा कच्चा। ये जो अब मैंने लिया है तेल, और ये हैं नूडल्स, नॉर्मल नूडल्स, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चिलीज। ये गरम कर लिया हमने नूडल्स। अब हनी नहीं डाला, ये मीठा होता है। एक काम करते हैं, ये जितने भी सब्जियां हैं, कितनी सारी, ढेर सारी सब्जियां। दिस इज हेल्दी फूड। अच्छा, इसके ऊपर ये रेड चिली। खैर, ये तो हो गया तैयार, बहुत अच्छा। इसी तरह से जब अगली बार आप बुलाएंगे तो मुझे एक डर है कि आपको मैं देखूंगा कैसे, और पतली हो जाएंगी तो फिर क्या पता चलेगा। और अगली बार जब मैं आऊंगी तब मैं एक डिश बनाऊंगी खुद से। खुद से? ये भी मैं खुद से आपको बताऊंगी कि मैंने घर पे प्रैक्टिस की है और मैं अब खुद खाना डिशेस बना सकती हूँ। वाह, आप भी बना सकते हैं, जरूर बनाएं। अभी नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम नूडल्स उबले हुए, 10 फ्रेंच बीन्स डायमंड शेप में कटी हुई, एक बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च, आधा कप संतरे का रस, 4 बड़े चम्मच तेल, 6 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 2 गाजर स्लाइस की हुई, 8 मशरूम कटे हुए, 1 प्याज स्लाइस की हुई, 1 चौथाई ब्रोकली छोटे टुकड़ों में कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच 5 स्पाइस पाउडर और 1 बड़ा चम्मच शहद। इसके लिए कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें लहसुन,
गाजर और मशरूम डालकर भूने। अब इसमें प्याज, ब्रोकली, फ्रेंच बीन, नमक और सॉस, कुटी हुई लाल मिर्च और 5 स्पाइस पाउडर डालकर मिक्स कर लें और करीब 4 मिनट तक पकाएं। अब कॉर्न स्टार्च को संतरे के रस में घोलकर इन पकी हुई सब्जियों में डालें और इसे कर लें और इसके साथ इसमें डालें शहद और इसे भी मिला लें। एक दूसरे पैन में तेल गरम करके इसमें नूडल्स, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डालकर मिलाएं। अब इसे एक बड़ी सर्विंग प्लेट डालकर इसके ऊपर पकी हुई सब्जियां डालें और कुटी हुई लाल मिर्च ऊपर से डालकर इसे तुरंत गर्मा गर्म परोसें।